हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और काफी दिनों बाद आज आप लोगों से मिलना हो रहा है। एक्चुअली मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और थे कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, तो बाकी ज्यादा पर्सनल इश्यूज मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि आप लोगों का जानने का हक है, तो थोड़ा बहुत अगर मैं बताऊं तो जब इंसान परेशान होता है ना, तो कोई चीज करने का मन नहीं करता है, चाहे वो वीडियो शूट हो या फिर वो कुकिंग हो, घर का कोई काम हो, मतलब किसी चीज में मन नहीं लगता है। एनीवेज वो लाइफ में ना चलता रहता है, और खासकर मैं, मतलब मेरे साथ तो कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम सभी की लाइफ में आती है, बट मेरे लाइफ में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कुछ ज्यादा ही आती है। सभी को ऐसा लगता होगा शायद। एक्चुअली मैं यहां से नहीं हूं, मैं बिलोंग करती हूँ दूसरे कल्चर से, दूसरे ट्रेडिशन से। तो एक दूसरे कल्चर और ट्रेडिशन से आकर दूसरे, मतलब डिफरेंट कल्चर और ट्रेडिशन में सेट होना और सेट होने की कोशिश करना, अपना 100% 110% देना, बट फिर भी अगर कोई चाहे, तहे दिल से चाहे कि आप यहाँ, आपको वो यहाँ सेट होने ना देना चाहे, ठीक है, तो फिर कैसा लगता है? और जब ये पता चलता है कि जो चाह रहा है अपने ही, मतलब रिलेशन में है, ये भी आप समझ सकते हैं, घर का मेंबर तो क्या बोलना, बट जो भी है, तो बहुत, मतलब थोड़ा अजीब जैसा लगता है कि यार अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं बट सामने वाला इंसान चाहता ही नहीं है कि आप जो 100% दे रहे हैं वो उस चीज में आप सक्सेस हो, तो थोड़ा सा इंसान मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो, मतलब लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, बस यही है कि मैं थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, इसी वजह से मैं वीडियोस वगैरह शूट नहीं कर पा रही थी। हालांकि आने वाले वीडियोस में आपके साथ डीपली इस टॉपिक पे कन्वर्सेशन शेयर करूंगी। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ, चाय बना लेती हूँ, अभी बज रहे शाम के 6। मैंने चाय बनाने के लिए, मतलब रख दिया है, जा नहीं रही हूँ। और आनव को देखिए, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, ये खेल रहा है यहाँ पे अकेले। अकेले तो नहीं है, उसके पापा भी है साथ में, और देखो कैसे खुश हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल किचन में, और मैं बना रही हूँ पराठे। एक्चुअली थोड़ा सा आटा बचा हुआ था सुबह की रोटी का, तो मैं सोच रही हूँ उसी के पराठे बना लूँगी। और ये देखो मैंने चाय भी रख दिया साथ में, ये ट्रायंगुलर पराठे के साथ ना चाय, मतलब बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आटा ज़्यादा नहीं था, एक एक ही पराठा बनाया मैंने, क्योंकि रोटी का आटा बचा हुआ था, नमक भी नहीं था इसमें, बट फिर भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। तो सबसे पहले मम्मी को दे के आती हूँ मैं उनके रूम में, और वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनको वहीं पर दे देती हूँ। तो यहाँ पे इनको दे दिया मैंने, और हम भी कर लेते हैं चाय नाश्ता, और उसके बाद करूँगी मैं डिनर का प्रिपरेशन। तो देख लेते हैं क्या क्या तैयारी की है। फिलहाल कोई तैयारी तो मैंने की नहीं है, बस यहाँ पे मैंने भिंडी को धो करके और स्ट्रेनर में रख दिया, ताकि वो पानी जो उसका है वो स्ट्रेन हो जाए। और माइक्रोवेव क्लीन किया था, तो उसका वो प्लेट वगैरह और वो व्हील्स वाला जो रिंग होता है उसको धो करके ये सब कुछ मैंने यहीं पे रखा है। और किचन अभी ज्यादा, मतलब मैसी नहीं है, बट देखती हूँ अभी काम करूंगी तो ये वापस से मैसी हो जाएगा। तो शुरू करती हूँ मैं अपना काम, और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो अभी मैं भिंडी काट ले रही हूँ, और ना मैं आज भिंडी थोड़ी सी बड़े बड़े साइज में काट रही हूँ, ताकि थोड़ा अलग वाला टेस्ट का सब्जी बनाऊंगी। एक्चुअली ना बहुत बार मैंने सुना है कि ये सब्जियों को जो हम काटते हैं ना, उनकी कटिंग पे भी थोड़ा सा टेस्ट उनका डिपेंड करता है। तो आज मैं ये लंबे लंबे काट के बना रही हूँ, देखती हूँ कैसा बनता है, रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये भिंडी ना धो दी थी पहले, तो सूख गई है, तो उसकी वजह से काटने में बहुत आराम है। हालांकि थोड़ा बहुत जो पानी है वो ड्रिप हो रहा है, तो उसके लिए नीचे मैंने प्लेट लगा रखा है, और यहाँ बैठी हुई इसलिए क्योंकि आनव नीचे खेल रहा है, अगर उसके पास जाके काटूंगी ना तो वो बार बार आके इसको पकड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ बैठ के काट रही हूँ इसको। तो भिंडी मैंने काट लिया है, और अभी मैं इसे कर रही हूँ फ्राई। थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल गरम किया कढ़ाई में, और उसी में मैंने भिंडी को ऐड कर दिया, और इसे मैं अच्छे से पका लूँगी। कम से कम 80% हमें इसे फ्राई कर लेना है। तो फ्राई करके जब भिंडी बनाते हैं ना, उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। पता नहीं क्यों, मैंने इतनी बार बिना फ्राई किए जब बनाया ना, तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आ रहा था। तो थोड़ा सा हल्का सा ऑयल में मैं इसे पका लूँगी, और उसके बाद मैं इसे प्याज टमाटर का तड़का देके बनाऊँगी। और जब तक ये फ्राई हो रहा है ना, मैं चली गई हूँ बेसन के पास में, वहाँ पर मैं बर्तन धो रही हूँ, बेसन नहीं सॉरी सिंक के पास, क्योंकि अगर अभी बर्तन नहीं धोया ना मैंने चाय वगैरह का, तो डिनर टाइम तक तो ढेर लग जाता है, फिर पता ही है आपको क्या हाल होता है। तो
तो इनको मैं धो लूँगी और एक साथ कई काम हो जाते हैं मेरे। भिंडी जब तक फ्राई हो रहा है बर्तन भी धुल गए, अभी मैं प्याज टमाटर भी काट ले रही हूँ और इतने में मेरा भिंडी भी फ्राई हो गया है। तो अभी मैं इसे निकाल लूँगी एक प्लेट में और उसके बाद मैं इसे वापस से तड़का दूँगी प्याज टमाटर के साथ। तो ये देखिए भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया, इसे मैंने निकाल दिया और मैंने सिर्फ थोड़ा सा तेल ऐड किया, तेल भी ख़त्म हो गया है तो थोड़ा सा ऐड किया। उसमें मैंने सूखी जीरा, थोड़ा सा हींग, दो सूखी लाल मिर्च ऐड की है और उसके बाद मैंने प्याज ऐड करके उसे अच्छे से भून लिया। और जैसे ही प्याज पक गया उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च है तो डालिए, नहीं है तो नहीं भी डालती हूँ मैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और अदरक लहसुन का पेस्ट मैं रेडीमेड यूज़ करती हूँ क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और बहुत ही एफर्टलेस जल्दी काम हो जाता है इससे भी। तो ऐसे लहसुन खरीदो, अदरक खरीदो तो वो मुझे थोड़ा महंगा लगता है। और उसके बाद वो डालने के बाद जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया तो मैंने उसमें टमाटर और नमक भी ऐड कर दिया है। और बस अब जब तक टमाटर पकेगा तब तक मैं वापस से दूसरे काम कर लेती हूँ। और हाँ, आनव को दिखाती हूँ, देखो वो क्या कर रहा है। ये देखो वो ना मैट के साथ खेलते खेलते और खुद ही सो गया है और अभी भी उसको पकड़ा हुआ है ज़ोर से कि कहीं वो मैट उसको छोड़ के भाग ना जाए। और देखो हिल रहा है थोड़ा थोड़ा नींद में भी, मैं जैसे खींच रही थी ना उसे थोड़ा थोड़ा मैट, तो वो उसको पकड़ ले रहा था ज़ोर से। तो ये तो सो रहा है, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं आटा वगैरह गूंद के रोटी भी बना लेती हूँ, इतने में टमाटर धीरे धीरे पकता रहेगा। तो लो फ्लेम कर दिया है मैंने और उसके बाद मैं आटा भी गूंद रही हूँ साथ में। और ये भी खड़े हैं मेरे हेल्पिंग हैंड, ये गाजर छील रहे थे, आनव के लिए गाजर का प्यूरे बनाना है तो उसी के लिए पील कर रहे थे उसे। और हाँ, मुझे एक बात बतानी थी, मुझे ना कुछ व्यूअर्स में जो सब्सक्राइबर्स है वो मुझे कह रहे थे, मैसेज भी किया था उन्होंने, कमेंट भी किया था कि आप मेरा नाम ले लो वीडियो में। तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों का नाम लेने में यहाँ पे। उनमें से एक है मीनू मेहरा जी, हाय मीनू जी कैसे हो आप। और हेलो सुनीता जी, सुनीता कालरा, वो भी बहुत कमेंट करती हैं मेरे वीडियोस पे, हमेशा रेगुलरली वॉच करती है। और एक और है हाइफा मलक, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, उनका नाम शायद हाइफा ही है, HAIFA लिखती हैं वो, तो कुछ नाम है जो प्रोनाउंस करने में नहीं आता है, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना हाइफा जी। और आज आपका नाम भी ले लिया मैंने अपने वीडियो में, तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा और वीडियोज़ अगर अच्छे लगा करें तो आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। यार इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया तो आप लोगों ने इतने कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, इतना प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और वही चीज़ें हैं जो मुझे दोबारा से मोटिवेट की है वीडियोज़ बनाने में, तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए मेरी रोटी भी बन चुकी है और सब्ज़ी भी बनकर तैयार है बिल्कुल, मैंने भिंडी भी ऐड कर दी थी, आप लोगों को बीच में बातों में बताना भूल गई, जैसे टमाटर पक गए थे मैंने भिंडी ऐड की, थोड़ा सा नमक मैंने और ऐड किया था। और बस हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और ये मैंने खाना सर्व भी कर दिया है। तो हम कर लेते हैं डिनर, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं यहाँ पे गैस और शेल्फ़ की क्लीनिंग कर रही हूँ, जो कि मैं अब डेली करती हूँ, पहले मैं नहीं करती थी क्योंकि जब मैं नई नई यहाँ पे शादी करके आई थी तो यहाँ पे ये लोग भी नहीं करते थे, तो मैं भी उस चीज़ को मतलब फॉलो नहीं की, बट मेरी मम्मी हमेशा ये चीज़ सिखाती थी मुझे कि कभी भी रात को किचन गंदा नहीं छोड़ना है, ना ही बर्तन जूठे छोड़ने हैं। तो अब मैं हमेशा शेल्फ, गैस और टाइल सब कुछ क्लीन करके ही सोती हूँ, चाहे जितना मर्जी लेट हो जाए। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मेंबर्स हमारे घर में ना भले ही कम हो बट बर्तन कभी कम नहीं होते। ये देखिए बर्तन तो मुझे लगता है उतने ही होते हैं। और हो गया है सारा काम फिलहाल, प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया है मैंने और गैस वगैरह भी क्लीन हो चुका है, बट अभी मेरा थोड़ा सा काम और बाकी है क्योंकि अभी मुझे आटा गूंदना है दोबारा डिनर करने के लिए नहीं, कल सुबह के लिए, क्योंकि कल सुबह हम सोच रहे छोले और भटूरे बनाए तो मेरे पास ना इनो नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भटूरे की जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी इंस्टेंट भटूरे वाली, वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है लेकिन उसमें इनो डलता था, मेरे पास इनो नहीं है। तो आज मैं सोच रही हूँ रात को ही आटा लगा के रख देती हूँ, मैं कर लेती हूँ पहले ये काम। और ना ऐसा लग रहा है जैसे कितनी गर्मी हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है एकदम से गर्मी आ गई है यहाँ पे, है ना।
तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया हुआ है और 1/2 कप मैं उसमें सूजी ऐड करूँगी। और आप चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, बट भटूरा जो है ना वो मैदे का ही मुझे मतलब ज़्यादा बेटर लगता है। और उसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा नमक और 1/2 टीस्पून मैंने उसमें बेकिंग सोडा और नींबू ऐड किया है, 1/2 टीस्पून, ठीक है। और उसके बाद मैंने उसमें 2 बड़े चम्मच दही ऐड की है और 3 से 4 चम्मच मैंने करीब तेल ऐड किया है, तेल मैंने अंदाजे से ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैं उसको गर्म पानी से गूंद रही हूँ। याद रखिएगा आपको इसमें बेकिंग सोडा और नींबू ऐड करना है, बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना है अगर आपके पास इनो नहीं है तो। अगर इनो है तो ज़्यादा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गर्म पानी, दही, नमक और इनो से ही काम बन जाता है। तो बस इस आटे को मैं अच्छे से गूंद लूँगी और सॉफ्ट आटा लगाना है, सख्त आटा बिल्कुल भी मत लगाइएगा वरना भटूरे जो है वो सॉफ्ट नहीं होंगे। तो फाइनली सारा काम हो चुका है और आटा भी गूंद चुका है, तो इस पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाती हूँ और इसको मैं रख दूंगी। और छोले भी मैंने भिगो दिए हैं और ये देखिए। फाइनली मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो चुके हैं 10:30। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, सोने का अभी आना के लिए दूध थोड़ा सा गर्म करना है, वो एक बार दूध पीता है उसके बाद ही सोता है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए।